नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। निजामाबाद आजमगढ़ प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी जहां देश में भ्रष्टाचार की समाप्ति पर कर एक अच्छी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, वहीं जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है और अविवादित पत्रावलियों पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता, जिससे अधिवक्ता समाज उद्वेलित होकर सभागार में मीटिंग करने के बाद इन अधिकारियों के न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए पूरे तहसील प्रांगण में नारे लगाते हुए प्रशासन का विरोध किया। वहीं बार के पूर्व अध्यक्ष खली कुमार जमा ने कहा कि आज इस प्रदेश में जहां योगी जी एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, हम लोग अल्पसंख्यक समाज से होते हुए भी उनकी क्रिया से खुश हैं, लेकिन निजामाबाद तहसील प्रशासन सरकार की मंशा के विपरीत आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। कार्यालयों में काम करने वाले लिपिक अधिवक्ताओं से भी बिना पैसा लिए कार्य नहीं करते। इन सब बातों को लेकर आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय उर्फ मनोज राय, मंत्री मिठाई लाल की अध्यक्षता में मीटिंग कर आज अदालतों का बहिष्कार किया तथा कल बार सभागार में बैठक कर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। आजमगढ़ से ब्यूरो अबूजर आजमी की रिपोर्ट। इस तहसील में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अविवादित पत्रावली जो बैनामे की जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, उसकी दाखिल खारिज करने के लिए 5,000 रुपए मांगे जाते हैं। हम लोग त्रस्त हो गए हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ पत्रावलियाँ सब पेंडिंग पड़ी हैं। अगर कोई वकील नाथ प्रेस कर देता है आपत्ति, तो उसको भी कहते हैं पैसा दो 5,000-10,000, नहीं तो तंग करते हैं। इन सारे बिंदुओं को लेकर आज हम लोग आंदोलित हैं। SDM के यहाँ धारा 24 के 116 के कारण कई अविवादित पत्रावलियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन आदेश आज तक नहीं हो रहा है। उसमें टाइप बाबू, पेशकार, हमारे SDM साहब सब लोग एक दूसरे से मिलित हैं, मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ दलालों का काम होता है। अगर कोई दलाल गया 20,000-25,000 का सौदा किया, उसका काम हो जाता है। नहीं तो खारिज दाखिल का तो समय सीमा निर्धारित होती है ना? समय सीमा निर्धारित होने के बाद 35 दिन होने के बाद 65 दिन तक रोका जाता है, दो दो तीन तीन महीने रोका जाता है। पैसा पाते हैं तब होता है। अगर सामान्य रूप में देखा जाए तो कोई भी दाखिल खारिज 35 दिन के अंदर नहीं होती है। सारी दाखिल खारिज ही दो दो तीन तीन महीने लटका के देते हैं। अमल दरामद भी नहीं होती है, फीडिंग नहीं होती है, काश्तकार परेशान है। इन सारे बिंदुओं को लेकर आज हम लोग इस आंदोलन पर उतर आए हैं। हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का फरमान है कि भ्रष्टाचार जीरो हो, लेकिन इस तहसील में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ में तहसील निजामाबाद में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर, कृपया आप अपने ध्यान इधर दें। आप किसी न किसी तरह से पता लगाकर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जनता आपसे प्रेम करती है, आपके साथ, लेकिन इन भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी को जैसे आपकी पार्टी की बदनामी होती है। इन सारे बिंदुओं के खिलाफ हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।